नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका डेली फटाफट न्यूज चैनल पर। आज आपके सामने एक नई खबर के साथ आए। जी हाँ, आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी से कहा, सुपर टेक एमराल्ड कोर्ट में बने दो अवैध टावरों को दो हफ्ते में गिराने का शुरू करे काम। जी हाँ, आपको बता दें, शीर्ष कोर्ट ने पिछले साल अगस्त में इन दोनों इमारतों को ध्वस्त करने का आदेश दिया था। इन दोनों इमारतों के निर्माण में मानकों का उल्लंघन किया गया था। जी हाँ, आपको बता दें, नोएडा के सुपर टेक एमराल्ड कोर्ट में बने 40 मंजिल के दो अवैध टावरों को गिराने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी को दो हफ्ते में ध्वस्त करने का काम शुरू करने के निर्देश दिए। इसके अलावा शीर्ष कोर्ट ने कहा है कि नोएडा अथॉरिटी 72 घंटे में इस मसले पर संबंधित एजेंसियों के साथ बैठक बुलाए। कोर्ट ने इस बैठक में टावरों को गिराने का शेड्यूल सेट करने का आदेश दिया। जी आपको बता दें, इस आवासीय परियोजना को भवन निर्माण मानकों के उल्लंघन का दोषी पाए जाने के बाद 40 मंजिला टावर को गिराने के आदेश दिए गए हैं। नोएडा प्राधिकरण ने बीती 4 फरवरी को कोर्ट में बताया है कि उसने टावर ध्वस्त करने के लिए एडी फीस इंजीनियरिंग को केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान CBRI रुड़की के साथ परामर्श में काम करने में